से बिहार के साथ बदलता मुजफ्फरपुर नए ग्राफिक के साथ बढ़िया बस स्टैंड बनने जा रहा है, जैसे मॉडिफाई करके बिल्डिंग यहाँ पे बनाया जा रहा है। जब ये टूट जाएगा तो आपको ये फिर याद आएंगे कि पहले ऐसे बस स्टैंड थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो मैं सोनू यादव आप लोगों का अपने ब्लॉग में स्वागत कर रहा हूँ। तो बदलते बिहार के साथ बदलता मुजफ्फरपुर आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको मैं बताता हूँ। पहले आप बैरिया बस स्टैंड देखते थे, बहुत पुराने टाइप का था, बट अब बदलते बिहार के साथ बदलता मुजफ्फरपुर में बैरिया बस स्टैंड में एक नए ग्राफिक के साथ बैरिया बस स्टैंड बनने जा रहा है। जैसे बड़े बड़े शहर में बस स्टैंड होते, वैसे हमारे शहर मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड आ रहा है, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा से काम यहाँ चल रहा है, 24 आवर रेगुलर काम होती है, और बहुत जल्द हमारे शहर में आपको एक अच्छा बस स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करके जाना। तो अभी मैं बैरिया बस स्टैंड के जमीन पे खड़ा हूँ, ये देख सकते हो, और यहाँ पे आपको काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा गिट्टी का पहाड़ बन चुका है, सोच सकते हो। इसी से ऐसा बहुत सारा गिट्टी का पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, एक वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर काम चले, और यहाँ पे अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जेसीबी ये सब काम चल रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, छोटी से छोटी चीज आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी इधर ये खुनाई का काम हो चुका है मट्टी का, आप देख सकते हैं, मैं उधर आपको दिखाता हूँ जाके। देखो यहाँ पे मट्टी का भी पहाड़ बन चुका है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है ये बैरिया बस स्टैंड को। एक अलग नजर से आप लोग देख सकते हो बैरिया बस स्टैंड को। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ, उधर शौचालय है, यहाँ पे अभी शौचालय ये जब रिमोडिफाई कर दिया जाएगा तो कितना बवाल लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं पास में आ चुका हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है, कितने अच्छे और बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है, यू कैन सी गाइस। और यहाँ पे देख लो गिट्टियों का पहाड़ कितना बड़ा है, मतलब लग रहा है एक माउंटेन में आ गया, इस टाइप का फील हो रहा है। तो यहाँ पे जेसीबी से एकदम लगातार खुदाई चल रहा है, सबको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, एक बराबर किया जा रहा है। जब ये बन के तैयार हो ना, एक अमेजिंग फील आया कि हमारे मुजफ्फरपुर में ऐसा बस स्टैंड हो सकता था क्या। तो मैं अभी इस साइड बस स्टैंड के इस साइड आ चुका हूँ, उधर ज्यादा मतलब हल्ला हो रहा था, इस कारण वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी साउंड के कारण। तभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो गाइज, ये देखो यू कैन सी गाइज कितना ज्यादा अंदर से अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि जब बस आएंगी पार्किंग का होगा तो ये अंडरग्राउंड पार्किंग होगा यहाँ पे, और वर्क देख सकते हो कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द हमारे शहर मुजफ्फरपुर में आपको एक नए बस स्टैंड देखने को मिल जाएगी। तो चलो मैं आपको और पुरानी बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ, पहले की बस स्टैंड कैसे थी वो आपको मैं बताता हूँ। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं टूटा हुआ, ऐसे पहले बहुत बड़ा ये बिल्डिंग था, धीरे धीरे ये अब टूटेगा और इसको मॉडिफाई करके इतने तरह का बिल्डिंग यहाँ पे बनाया जाएगा। अब पहले हम लोग आते थे तो यहाँ पे छोटे छोटे दुकान होते थे, यहाँ पे बस स्टैंड में लोग बैठते थे, ये वेटिंग एरिया था, यहाँ पे बैठते थे इंतजार करते थे, और ये जितना भी खाली जगह देख रहे सारे में दुकान होता था, और बहुत मजे आते थे यहाँ पे आने का, एक मतलब एक अलग वाइब आता था, खूब इंजॉय हम लोग करते थे जब भी बस का अपना इंतजार करते थे। यहाँ जितना भी जगह देख रहे हो आपको बहुत कुछ का स्टॉल मिलता है, चाय का, नाश्ते का, खाने का, किताबों का, मतलब जो भी होता है, एक फास्ट फूड का भी अच्छा सा स्टॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। बट अब फाइनली वो टाइम आ गया कि इसको चेंज करके एक नए तरह से बनाया जाए, और एक अच्छा मतलब बिहार में एक अच्छा न्यूज फैलाया जाए कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर में भी बहुत बड़ा बस स्टैंड होने वाली है। तो ये पहले की यादें अब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। जब ये टूट जाएगा तो आपको ये फिर याद आएंगे कि पहले ऐसे बस स्टैंड थे। जब ये नया तैयार होके बनेगा सोचो कितना अच्छा लगेगा, बस उसी दिन का इंतजार है कि कब ये टूटे और एक अच्छा बस स्टैंड हम लोग को देखने को मिले। चलो मैं और आपको उधर कुछ दिखाता हूँ। तो अभी मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ जहाँ पे बसेस ज्यादा देखने को मिलती है। अभी सारे बसेस थोड़ा बाहर रहती है एरिया की जगह, जब काम चल रहा है तो थोड़ा ज्यादा देना
मतलब जगह मिला है यहाँ पे, सारे बसेस लगते हैं, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है, लोग उसी से मतलब अपने टाइमिंग से बस से निकल लेते हैं। तभी मैं रोड पे हूँ, आपको वो सीन दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सब अपने अपने टाइम से बस निकलेगी। अभी यहाँ पे सारे जगह का अपना अपना स्टैंड है, वो अपना अपना बस लगा हुआ रहता है, लोग यहाँ से पैसेंजर जाते हैं और अपना बस पकड़ते हैं और फिर अपने सफर पे निकल चुके हैं। तो ये अभी मेन रोड पे हम लोग बलिया बस स्टैंड के पास मेन रोड पे है। तो ऐसे ही सब जगह छोटा छोटा स्टैंड अभी बनाए कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, काम चल रहा है पर लोगों का डिस्टर्ब ना हो, इसलिए दोनों चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे थोड़ा दिक्कत हो जाता ना अगर पूरा बस स्टैंड ही बंद कर देते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ, ये बाहर का सीन देख लो, बैरिया बस स्टैंड के बाहर का सीन है। हम लोग रोड पे हैं और ये देख सकते हो कितनी सारी बसेस लगी हुई है यहाँ पे। ये थोड़ा एरिया के अकॉर्डिंग हो रहा है कि अभी छोटा जगह है, सब टूट टूट गया तो सब बसेस बाहर है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए बैरिया बस स्टैंड में काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग प्रमोट करो हमारे शहर मुजफ्फरपुर को, और देख सकते हो कितना मस्त नजारा लगता है, सब बस एक एक साथ लगे रहते तो देखने में बहुत दिल खुश हो जाता है गाइस। तो हम लोग चलो आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको इधर का कुछ व्यू दिखाता हूँ, ये देखो कितना खाली खाली और शांत जगह है एकदम, मतलब क्या कि एक अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ पे। ये जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे माउंटेन का याद आता है, पहाड़ों वाले शहर में आ चुके हम लोग, बट ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पहाड़ों वाले शहर में नहीं आए, सब एकदम ये सब टूटेगा फिर से नया बनेगा, एक बैरिया बस स्टैंड देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। से पूछते हैं कि सर आपको आके यहाँ पे कैसा लगा और ये काम देख के आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो मेरा नाम आनंद कुमार है, मेरे आनंद ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये यह जो सोनू के साथ हम लोग आए थे वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, यहाँ का डेवलप देख के, क्योंकि बिहार हमारा बदल रहा है, मुजफ्फरपुर हमारा बदल रहा है, यहाँ पे बड़ा बस स्टैंड बनने वाला है, तो खुशी तो होगी ही गाइस। बहुत अच्छा लगा घूम के, बहुत मेहनत से ये ब्लॉग बनाया है, बहुत सारा परमिशन लेना पड़ा है, बहुत लोग फिर भी हम लोग बनाए हैं, आप लोग इतना मेहनत किए हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, सोनू ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, आनंद ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ कहिएगा। अच्छा लगा यहाँ आकर के, बढ़िया लोकेशन था, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा काम, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे सोनू यादव ब्लॉग चैनल पे। बाकी आनंद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, आनंद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये चेहरे को ये फेस को जानते हैं तो आप जानते ही होंगे मैं क्या करता हूँ, क्या बनाता हूँ, क्या नहीं बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट कर सकते हैं। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ कि अभी जो काम चल रहा है मैंने वही दिखाया। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर हैं आप मुजफ्फरपुर से, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने शहर के बारे में सारे लोग को डिटेल दो, अच्छे एक अच्छा काम हो रहा है अपने मुजफ्फरपुर में, तो सब जगह फैलाओ यार, शेयर करो, अपना वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।